पीटीआई के लोगों, इंशाल्लाह तुम्हारा मुकदमा भी जमात इस्लामी लड़ेगी। और आज हमने इस बात का साबित कर दिया है, कमेटियों को कायम कीजिए, इंशाल्लाह गिवअप नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सड़कों पे भी एहतजाज करेंगे, गलियों में भी आवाज उठाएंगे, मस्जिदों में भी जाएंगे, बाजारों में भी लड़ेंगे, सियासी मुजाहमत पुरमन मुजाहमत की तारीख रकम करेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तैयार है इसके लिए, तैयार है, सब मिलकर तैयार है, तो इंशाल्लाह ये चारी मैंडेट का वो बड़ा बहुत सुराख है, बड़ी मुश्किल से इसको रिपेयर किया है, यकीन करें और जरा सा आगे बढ़ेगा फट जाएगा इंशाल्लाह। आज इन नौजवानों की मुख्तिया करने वालों को शिकस्त दी तुमने, उसके शहरियों तुमने बड़ा काम किया है, जो रिजल्ट आए हैं चंद रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, फॉर्म 45 पूरे, उन फॉर्म 45 के मुताबिक ये आजाद उम्मीदवार जीते हैं जिन्हें पीटीआई की हिमायत हासिल है या जमात इस्लामी जीती है, कोई और पार्टी नहीं जीती है। ये क्या तमाशा है, एक को 8 दे दो, एक को 14 दे दो, हैदराबाद से 9 दे दो, अबे भाई देना चाहो तो 266 में से तुम 512 दे दो, लेकिन आवाम को वोट नहीं दे रही, उन लोगों को आवाम इनके साथ नहीं है, इसलिए सब लोग सुन लें, इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, और जहां से इलेक्शन कमीशन हिदायत लेता है वो भी सुन ले, क्योंकि एक चाली नतीजे को नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। तो दो पट्टी की चप्पल में आने वाले अरबपति और खरबपति बन गए और दार बन गए, वो कहते हैं कि हम नुमाइंदे बने हैं, हम बता देना चाहते हैं रिजल्ट हमारे पास है, फॉर्म 45 हमारे पास है, और इस फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे शहर की 22 कौमी असेंबली और 47 सूबाई असेंबलियों में किसी कौमी असेंबली में एमकेएम के वोट 10,000 भी नहीं है, किसी सूबाई असेंबली में 5,000 भी नहीं है,